दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिल्म साहो वर्सेस वॉर के 15 दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर। ये दोनों ही फिल्में इस साल 2019 की सबसे बड़ी एक्शन मूवी होने का टैग लेकर सामने आई थी। हालांकि साहो को काफी ज्यादा पसंद नहीं किया गया, लेकिन कलेक्शन के मामले में साहो सबसे आगे निकली। अब वॉर उसको तगड़ी चुनौती दे रही है। इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि 15 दिन के बाद कौन सी मूवी आगे निकलती हुई हमें नजर आ रही है। पहले बात करते हैं साहो की। एक्शन और थ्रिलर से भरपूर फिल्म साहो, जिसको पब्लिक ने काफी अच्छा रेस्पॉन्स दिया। क्रिटिक्स द्वारा फिल्म को 1 से 1.5 स्टार मिले, लेकिन इसके बावजूद कमाई के आंकड़े अगर साहो के देखें तो बाहुबली स्टार प्रभास की इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग इंडिया में बन चुकी है, विदेशों में बन चुकी है कि फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो गई। फिल्म को डायरेक्ट किया सुजीत ने, जो कि काफी अच्छे और मंझे हुए युवा डायरेक्टर थे, जिन्होंने साहो से एक्सपेरिमेंट किया। कहानी में इतना सस्पेंस डाला कि दर्शकों को फिल्म के अंदर थोड़ा सा उलझापन लगा, लेकिन फिल्म ने कमाई के मामले में ब्लॉकबस्टर होने का टैग हासिल किया और फिल्म ने अपने पहले ही दिन 89 करोड़ की इंडियन बॉक्स ऑफिस पे ओपनिंग ली, दूसरे दिन 55 करोड़ और तीसरे दिन 56 करोड़ की कमाई की साहो ने। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी ओपनर ये फिल्म साबित हुई, जिसने लगातार बहुत ही अच्छा कलेक्शन किया और ये आगे भी नहीं रुकी। इसने अपने पहले सप्ताह यानी कि 7 दिन के अंदर पूरे इंडिया में कमा लिए, जिसमें तमिल लैंग्वेज से 116 करोड़ और हिंदी लैंग्वेज से 138 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, ये वाकई में कमाल का आंकड़ा है सुपरस्टार प्रभास के लिए। ये फिल्म 7 दिन के बाद भी नहीं रुकी और लगातार परफॉर्म करती रही और साहो ने पहले 7 दिन में धमाकेदार कलेक्शन किया 266 करोड़ का, तो अगले 7 दिन में इस फिल्म ने कमाए 37 करोड़ रुपए और 15वें दिन 1 करोड़ का कलेक्शन फिल्म ने किया। यानी कि दोस्तों, इस फिल्म ने अपने टोटल 15 दिन में 304 करोड़ का कलेक्शन किया केवल इंडिया से। दोस्तों आपको बता दें, इस फिल्म का बस थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट यही रहा कि फिल्म का बजट 300 करोड़ रुपए था, लेकिन वॉर फिर भी सुपर हिट साबित हुई क्योंकि इसने लाइफ टाइम कलेक्शन 400 करोड़ के बेहद ही करीब किया और साहो काफी बड़ी हिट हुई। साहो के अंदर प्रभास के अलावा श्रद्धा कपूर, नील नितिन मुकेश, जैकी श्रॉफ, महेश मांजरेकर जैसे बड़े बड़े कलाकार शामिल थे। दोस्तों फिल्म की कहानी थोड़ी सी उलझी हुई थी, इसीलिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट दर्शकों को मिला, लेकिन जो इसके एक्शन सीक्वेंस थे वो कई मौकों पर इतने गजब के थे कि दर्शकों ने इसे खूब सराहा, जो कि आप देख ही सकते हैं। दोस्तों साहो के अंदर इतना एक्शन डाला और प्रभास की फैन फॉलोइंग बाहुबली से बढ़ी चुकी थी, तो ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होनी तो बनती ही है। अब दोस्तों इस फिल्म को टक्कर देने के लिए आई वॉर, जिसने एक्शन के मामले में एक नई लैंग्वेज लिखी, एक नई परिभाषा लिखी। आइए उसके भी वॉर एक ऐसी फिल्म जिसने सफलता के नए झंडे गाड़ दिए। ऋतिक और टाइगर की जोड़ी को दर्शकों ने खूब ज्यादा पसंद किया, लेकिन क्या ये कमाई के मामले में प्रभास की साहो को पीछे छोड़ पाई? क्या उसे कहीं ना कहीं चुनौती दी? इस बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। टाइगर और ऋतिक की फैन फॉलोइंग हम सभी जानते हैं कि काफी ज्यादा बढ़ गई है और अब दोनों एक साथ होंगे तो रिकॉर्ड तो बनेंगे ही, क्योंकि दोनों ही एक्शन के मामले में अलग ही लेवल पर है, डांसिंग के मामले में अलग ही लेवल पर है और साथ ही साथ यशराज का बड़ा बैनर है जो फिल्म पर 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा था। और जबकि दोस्तों आपको ये बता दें, टाइगर और ऋतिक एक साथ आएंगे तो रिकॉर्ड तो बनाएंगे ही। इन दोनों ने अपनी रिकॉर्ड बनाने की जो बात है वो पहले ही कह दी थी जब इस फिल्म का टाइटल ऋतिक वर्सेस टाइगर के नाम से सामने आया था। तभी से दर्शकों ने मान लिया था कि ये फिल्म जबरदस्त होगी और एक्शन से भरपूर होगी, लेकिन इससे पहले साहो रिलीज हो गई, जिसने एक्शन के नाम पर नए कीर्तिमान लिखने शुरू कर दिए और उस पे 300 करोड़ का बजट लगा था और बाहुबली के सुपरस्टार प्रभास फिल्म के अंदर थे। अब दोस्तों जहां साहो ने अपने पहले दिन 89 करोड़ की कमाई की, तो वॉर 54 करोड़ का कलेक्शन कर सकी। हालांकि ये साहो की जैसी ही धमाकेदार एक्शन फिल्म थी, एक्शन इसका भी लाजवाब था, लेकिन फर्स्ट डे कलेक्शन में वॉर साहो से बेहद ही पीछे रह गई, क्योंकि दोस्तों आपको ये बता दे, साहो एक ऐसी फिल्म है जिसका इंतजार 2 साल से हो रहा था। 3 दिन में वॉर ने किए 100 करोड़, जबकि साहो की इसमें बात करें तो 3 दिन में वो फिल्म लगभग 180 करोड़ की कमाई कर गई थी।
जी हाँ दोस्तों, उससे भी ज्यादा। साहो का 3 दिन का कलेक्शन 192 करोड़ रुपीज था ऑल ओवर इंडिया। अब दोस्तों वीकडेज में 5 दिन में इसने 166 करोड़ की कमाई वॉर ने की, और जबकि 7 दिन में वॉर ने कमाई 208 करोड़ रुपए, जबकि साहो ने 7 दिन में ऑल ओवर इंडिया 266 करोड़ रुपए कमा लिए थे। यानी कि वॉर यहां तक पीछे रही, लेकिन अब शुरू हुआ असली वर्ड ऑफ माउथ का खेल। हम सभी जानते हैं साहो को मिक्स रिव्यूज मिले, और जबकि वॉर को बहुत ही अच्छे रिव्यूज जनता ने दिए। और फिर क्या था, वहां पर साहो की डिप आई तो यहां पर वॉर ने उछाल पकड़ी, और 10 दिन में वॉर ने कंप्लीट किए 246 करोड़ रुपए। और दोस्तों आगे जाकर भी वॉर का कलेक्शन धमाकेदार रहा, और फिल्म ने कमाई के नए नए रिकॉर्ड तोड़े, और ये फिल्म ने 11वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पे लगभग 12 करोड़ की कमाई सिनेमा घरों में की, जो कि काफी अच्छा आंकड़ा है। और दोस्तों वॉर यहीं पर नहीं रुकी, और अपने 13वें और 14वें दिन भी इस फिल्म ने जमकर कमाई की और अपने रिकॉर्ड को जारी रखा। वॉर का जो अच्छा वर्ड ऑफ माउथ था वही इसके लिए फायदेमंद रहा, और ये फिल्म कलेक्शन करती हुई आगे निकलती रही। फिल्म ने 12वें दिन अपने रविवार को दोस्तों 18 करोड़ की कमाई करके बहुत ही बड़ा जंप लिया अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर, और 13वें दिन फिल्म ने 6 करोड़ की कमाई सिनेमा घरों में की और अपना टोटल 13 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया 282 करोड़ रुपीस, यानी कि 282 करोड़ इस फिल्म ने अपने 13 दिन के अंदर कमा लिए। अब दोस्तों फिल्म को 14 और 15 दिन आने में टाइम है, और आप सभी को हमने बताया कि 15 दिन में साहो ने 304 करोड़ कमा लिए हैं। अगर फिल्म को 15 दिन में साहो को पीछे में दे, और दोस्तों सब्सक्राइब करें देखो देखो।